नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क को तोड़ते हुए उत्तराखंड से एक व्यक्ति को किया काबू। 4,05,000 नशीली गोलियां व कैप्सूल किए बरामद। जालंधर के शेखा बाजार में चार लुटेरों ने दातर के बल पर नौजवान से लूट की वारदात को दिया अंजाम। 3 गिरफ्तार, 1 फरार। 147वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का संगीतकार महेश काले के राग बहार से हुआ समापन, श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए पंजाब पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत अमृतसर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब अमृतसर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को तोड़ते हुए उत्तराखंड से एक व्यक्ति को नशीली गोलियों सहित काबू किया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने बताया कि अमृतसर पुलिस की टीम ने नशीली गोलियां और कैप्सूल बेचने वाले ग्रुप की सप्लाई चेन को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि थाना ए डिवीजन की पुलिस ने निशान शर्मा और राजीव कुमार उर्फ सौरभ को काबू कर उनके पास से 29,920 नशीली गोलियां और 29,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर पूछताछ की गई तो आरोपी निशान शर्मा ने कहा कि वह ये नशीली गोलियां उत्तराखंड से लाता है, जिसके बाद अमृतसर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर उत्तराखंड में भेजी, जहां पुलिस टीम द्वारा देहरादून से उस्मान राजपूत को काबू कर उसके पास से 4,05,000 नशीले कैप्सूल व गोलियां बरामद की गई। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर पूछताछ की जाएगी, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। वहीं इसके साथ ही जब पत्रकारों द्वारा पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछा गया कि विरासती मार्ग पर एक टूरिस्ट गाइड है जो श्रद्धालुओं को कमरों के साथ साथ लड़कियां सप्लाई करने के लिए भी कहता है, जिस पर पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा श्री दरबार साहिब के नजदीक होटल मालिकों को आखिरी चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले समय में अगर ऐसी हरकत दोबारा सामने आई तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी और अगर होटल सील करने की जरूरत पड़ी तो वह भी किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जालंधर में चोरी और लूटपाट के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते देर रात शेखा बाजार में लूट का मामला सामने आया है, जहां स्कूटी पर आए युवकों ने तेज धार दातर के बल पर युवकों को लूटा। स्कूटी पर आए चार युवकों ने काम से घर लौट रहे दो युवकों को रास्ते में रोक लिया और दातर दिखाकर उन्हें लूट का शिकार बना लिया। वहीं यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवकों ने दातर दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चार लुटेरों में से 3 लुटेरों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि चौथे की तलाश जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि यह घटना 23 दिसंबर रात की है, जब विक्रम नामक व्यक्ति एक्टिवा पर अपने घर जा रहा था। उस दौरान चार लुटेरे आते हैं और उसे दातर दिखाकर उससे आईफोन लूटकर फरार हो जाते हैं, जो कि बरामद कर लिया गया है, जिसमें 3 लुटेरे पुलिस की हिरासत में हैं और 1 की तलाश की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये मामला है, तेजी का मामला है। विक्रम पाटिल नाम का व्यक्ति था, अपने एक्टिवा स्कूटर से जा रहा था। जब वो फुलाने चौक के नेड़े पहुंचा तो उन्हें 4 बंदों ने स्कूटर से घेरिया, जिन्हों के हाथ में दातर से। उस तो बाद सू रात भी बचा भी 11:30 बजे रात आया। उस तो बाद थाने आए, असि कंप्लेन लैके असि सारी इंक्वायरी शुरू की। फिर असि टैक्निकल ढंग सीसीटीवी की मदद लैके असि उन्होंने सू फोटो मिल गई जी। उस तो असि बंदे शिनाख्त करके 3 बंदे असि अरैक्ट कर लिया। इन्होंने आईफोन 12 प्रो गोल्डन रंग का सिरा उन्होंने खोया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में संगीत के महाकुंभ 147वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का समापन प्रसिद्ध संगीतकार महेश काले ने राग बहार से किया।
उनके राग बहार किया का तान छेड़ते ही वहीं फूलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे पंडाल का नजारा ही अलौकिक दिखाई देने लगा। जिसके बाद वंदे मातरम के घोष के साथ संगीत संध्या का समापन करते हुए नववर्ष का इस्तकबाल करते हुए सभी की मंगल कामना की गई। वहीं गायन में महेश काले के साथ तबले पर वैभव वी खंडोलकर, हारमोनियम पर अभिनय रावंदे एवं पखावज पर ओमकार दलेवी ने संगत की। इससे पहले कार्यक्रम के तीसरे व आखिरी दिन का आगाज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मां सरस्वती व श्री बाबा हरिवल्लभ जी की वंदना कर किया। तो वहीं डॉक्टर सुनीता भारद्वाज के निर्देशन में दिव्यांश शर्मा, आर्यन शर्मा, निक्की, अरुणदीप सिंह, हर्षप्रीत कौर, स्नेहराज, श्रुति बवेजा, साक्षी सयाल व राहुल ठाकुर ने वंदन किया। उनके साथ तबले पर डॉक्टर तरनजीत सिंह, सरंगी पर हरजोत सिंह व हारमोनियम पर रमनप्रीत ने संगत की। वहीं इस मौके पर अजीत समाचार पत्र समूह के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक कम चेयरमैन श्री बाबा हरिवल्लभ कमेटी शीतलविच, लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, स्वामी शांतानंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से स्वामी अशोकानंद, स्वामी हरिहरन, पंजाबी गायक मनमोहन वारिस, सुशील शर्मा, ओलंपियन सुरेंद्र सोडी, एनजेड सीसी के प्रोग्राम हेड रविंद्र शर्मा, दीपक बाली, नितिन कपूर, एसएस अचिमल, पूर्णिमा बेरी, अरुण मिश्रा, मदन राणा, कुलविंदर दीप कौर, संगत राम, रोमेश मोदगिल, बरिंदर कलसी, राजेश विजय, ललित गुप्ता, आत्म प्रकाश बबलू, मनु सीन, डॉक्टर ज्योति मित्तू, विमल जीत कौर, वंदना शर्मा, रेणु बाला, डॉक्टर मंजीत के पड्डा, डॉक्टर सुधा शर्मा, डॉक्टर लता, गीता बावरा, डॉक्टर गावेश राय, गुरमीत सिंह, डॉक्टर दविंदर चोपड़ा, डॉक्टर जगमोहन सिंह उप्पल, रजेंद्र भसीन, गुलशन शर्मा, संजीव सूद, जतेंद्र सिंह चिंका, रोहित खन्ना, कवेरी कलसी, डॉक्टर पूनम शर्मा, इरेश वधवा, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा, राकेश महाजन, कुलदीप सिंह, कृष्ण कुमार, मनिंदर पाल सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी प्रभा, सिमरन सिडाना, आशु सिंगला, जगदीप बावरा, अंशुमन बामी, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, महेश दीक्षित, राजन शारदा, खुशपाल सिंह, वीके गुप्ता, संदीश सौंदी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर और जतेंद्र की रिपोर्ट।
दूरों दूरों आर्टिस्ट भी आए, सुनने वाले भी आए, श्रोते भी आए, और दूसरा है कि यूट्यूब के उत्ते लाइव चल रहा है। सो बहुत सारे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा सी, बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब के उत्ते ही उन्हें चेक कर रहे हैं, जिदे वास्ते सानू इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि जी आज 200 बंदा हो गया, 300 बंदा है, 400। सो इंटरनेशनल लेवल के उत्ते भी यह चल रहा सारा, इट्स बीइंग कवर्ड लाइव ऑन यूट्यूब। बाबा जी की बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा, बहुत साढ़े ते आशीर्वाद है कि उन्होंने असी छोटे जे बंदे हैं जिन्होंने उन्होंने चुनिया इस सेवा वास्ते। भरी हुई है दुनिया, सेवा बहुत दूर दूर तक होंदी है, पर काफ़ी बाबा जी की मैं फिर ही कहंगी, आई एम शुक्र गुजार, ईश्वर का भी शुक्र, बाबा जी का भी शुक्र कि असी यह छोटी जिनी सेवा कर रहे हैं। यह प्रोग्राम हर तरह के टाइम कोई 4 बजे ख़त्म होएगा तो वो साडा फिर बेस्ट होंदा है, बहार दे नाल असी इनू फिनिश करते हैं। तो महेश काले इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर महेश काले, वो इस वेले लास्ट साडा जरा कर्टन रेजर जिन्हों कहें वो करेंगे, तो पुष्प वर्षा होएगी, तो वंदे मातरम होएगा, तो अगले साल वास्ते नवीं डेटा अनाउंस हो गई है। सो असी तो अपने आप को अज तो ही शुरू कर लाँगे अगले साल की प्रेपरेशन वास्ते, तुसी लोग अगले साल अपने दर्शन दे के सानू सारिया नू साडे प्रोग्राम नू सक्सेस करवाओ, सक्सेसफुल बनाओ, सानू सारे नू अपना आशीर्वाद दो ताकि साड़ी हिम्मत बनी रहे, असी इस तरह काम करते रहिए। श्री हरवल्लभ महासभा वालों जो है संगीत का महाकुंभ हर साल करवाया जाता, 150 सदी हो गई इस क्लासीकल शास्त्री संगीत के मेले में चलदिया होया। सो एक बहुत बड़ा उद्यम है कि जिहड़ा साडा शास्त्री संगीत आ, जिन्हां तो बच्चे साढ़े खास तौर पर अजकल दूर हो रही नवी जनरेशन, उस चीज़ को संभालण लई ते उह बच्चियां विच दुबारा उहनूं उहदी जागरूकता वधाउण दे लई, सो एक बहुत बड़ा उद्यम है। असी भी हमेशा जब भी समा लगता ये शामिल हो के बहुत भागे भागा वाले अपने आप को समझते हैं। सो इस बारी भी महान आर्टिस्टा के दर्शन करके उन्होंने परफॉर्मेंस देख के बहुत धन धन हो गए हैं। सो मेरी आम लोगों भी यह गुजारिश है कि जे संगीत समझ नहीं भी आता जोड़ा शास्त्री संगीत है, क्योंकि मुश्किल चीज़ है, ये रूहानीयत लभो, तुम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਵੱਲਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ,
दरअसल ये है तो संगीत सम्मेलन पर अपने आप च एक फेस्टिवल आ, एक सैलीब्रेशन आ, एक लैगेसी आ, एक साडा जिहड़ा साडी ट्रेडिशनल विजडम आ, ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशनल कल्चर आ जिहदे च साडी एक रवायत आ, संगीत साडा जिहड़ा साडे सभ्याचार दा हिस्सा आ और इन्हें सालों तो ये चल रहा, ये अपने आप च एक मीनारी हस्ताक्षर आ कि 147 साल पहला जिहड़ा एक संगीत दा संगीत की बूंद लैके एक समागम शुरू होया अज समुंदर दा रूप धारण कर चुके है। क्योंकि समुंदर मैं इस करके कहना है क्योंकि 147 साल किन्ने फनकार इस समागम च शिरकत करके गए आ, किन्ने श्रोते इस समागम शिरकत कर गए आ, किन्नियां प्रोमिनेंट परसनैलिटीज़ इस समागम का हिस्सा बन चुकी, खास तौर पर जिन्हों असी जिन्हों के नाम नाल दुनिया च भारत का सत्कार वधदा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1919 च इस समागम च उन्होंने पार्टीसपेट किया। और हुण जिवें साडा फर्ज आ कि असी वर्तमान समय संगीत नू सुनीए, आनंद माणीए और असी इस संगीत नू अगली पीढ़ी दे नाल भी जोड़िए, तो इस करके इत्थे चार दिन का पहला म्यूजिक कंपीटिशन हुंदा जिहदे विच सीनियर ते जूनियर दो कैटागरीज़ आ, जिहदे विच गायन आ, वादन और सितार वाले साज जिहनू असी वोकल इंस्ट्रूमेंटल और प्रकशन वाले साज कहने। सो इस तरह नाल ये रवायत आ कि सूनियर और जीनियर सूनियर और जूनियर और सीनियर कैटागरी दो होनी है ताकि बच्चे भी साढ़े इस परंपरा ना जुड़न, इस संगीत ना जुड़न। और सानू खुशी होंदी आ कि जदों ऑल ओवर इंडिया तो बच्चे जाके पार्टीसपेट करते हैं। सो ये सानू खुशी आ कि भई जिहड़ा जलंधर दे इस महान अस्थान च श्री देवी तला मंदिर च ये संगीत का समागम हुंदा, इहदी महक जिहड़ी आ उह दुनिया के कोने कोने च आ। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शागिरदां नूं पुछया सी कि दुनिया च सब तो वध खुशबू किस चीज़ दी आ, तो किसी ने इत्र किया, किसी ने चंदन किया, किसी ने गुलाब किया, तो उन्होंने कहा नहीं, चंगे कर्मां दी जिहड़ी खुशबू आ उह सब तो ज़्यादा आ। सो इसी तरह मैं सोचदा कि अज जलंधर दी धरती ते इह समागम हो रहा पर इहदी जिहड़ी महक आ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੋ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੋ ਮੇਂ ਠੰਡ ਕਾ ਸਿਤਮ ਵੀ ਬੜਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। अगर नाभा क्षेत्र की बात की जाए तो कई दिनों से लगातार ठंड के कहर ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है, जहां सुबह से ही धुंध पड़नी शुरू हो जाती है और अब धुंध का प्रकोप रात को भी देखने को मिल रहा है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਲੈਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੜਾਂਗਾ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਆ ਧੁੰਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਆਏ ਹੁਣ ਲੇਟ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਅੱਜ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 9 ਵਜੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅੱਗ ਉੱਗ ਦੇਖੋ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ 3-4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਧੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਰੰਗ ਖੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਰ ਕੇ,
ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲ ਮੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਸਭੀ ਸਦਸਯ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵ ਅਨਯ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕ ਮੇ ਆਗਾਮੀ ਵਰਸ਼ ਮੇ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮੋ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮਹਾਸਚਿਵ ਬੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਤਥਾ ਕੇ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਏ ਦੇਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭੀ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਸਟਾਫ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਆ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਓਪੀਡੀ ਕੋ ਬੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂਕਿ ਅਧਿਕ ਸੇ ਅਧਿਕ ਲੋਗੋ ਕੋ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ। आने वाले दिनों में भी मेडिकल कैंप जारी रहेंगे। इस मौके पर चेयरमैन पुरुषोत्तम मित्तल, सीनियर उप चेयरमैन वरिंदर मित्तल, उप चेयरमैन संजय गोयल, सचिव अश्विनी जैन, फाइनेंस सचिव पीएल सिंगला, जगदीप सिंगल, राजीव मित्तल, तरुण गोयल, संदीप गोयल और केके अरोड़ा भी मौजूद हुए। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। मैं श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट से सीनियर वाइस चेयरमैन वरिंदर मित्तल बोल रहा हूँ। आज हम नया साल के लिए श्री दुर्गा माता मंदिर अस्पताल में इकट्ठे हुए हैं, जहां पर हमारे सभी ट्रस्टी चेयरमैन पुरुषोत्तम मित्तल, जनरल सेक्रेटरी बी के गोयल जी, फाइनेंस सेक्रेटरी पी एल सिंगला जी और सभी सदस्य यहां पर हैं और सभी डॉक्टर्स के साथ बस चाय पर इकट्ठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जो नया पिछला साल गुजरा बहुत अच्छा गुजरा और आगे हम अस्पताल में और तरक्की करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। ये पैसा सब दुर्गा माँ की कृपा से आप भक्तों का ही है और भक्तों पर ही लगना चाहिए। अब हम बहुत ही जल्दी मंदिर अस्पताल को बहुत अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं। पिछले एक महीने पहले ही हम मोस्ट मॉडर्न अल्ट्रासाउंड की मशीन 23 लाख रुपए कॉस्ट में लेकर आए हैं। जल्दी ही दांतों का, आँखों का और औरतों का हर चीज़ को हम और बेटर करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को एक क्लास की फैसिलिटी बहुत ही कम दाम पर मिल सके। और जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके लिए ट्रस्ट एक अलग से फंड बनाता है, उनको भी हम जो बेस्ट पॉसिबल हुआ कम से कम दामों पर उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। किस तरह ट्रीटमेंट सर हम सारे ऑलरेडी यहाँ पे 15 डॉक्टर MD हैं, सब तरह की OPD हो रही है। हम उसको थोड़ा जहाँ जहाँ कमी है और अपग्रेड करके कोई मशीनरी और लेके आनी है वो ला रहे हैं ताकि और बेटर ट्रीटमेंट कर सकें। और हमारे पास डॉक्टर सारे बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। हम सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हम इवन टेस्टिंग की भी जो है ना हमारे पास उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। मैं हार्ट अटैक के लिए ना स्पेशलाइज हॉस्पिटल चाहिए, वो यहाँ पर हमारे पास वो हार्ट अटैक की हुई या कैंसर की हुई उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास OPD है, हम उसको और हाईलाइट करेंगे जिसमें दांतों की ट्रीटमेंट हो रही है, आंखों की हो रही है, ENT की हो रही है, उस तरह की ट्रीटमेंट्स के पास हमारा इंतज़ाम है, वही हम बेस्ट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि मैनी है, मैं डेंटिस्ट हूँ। यहाँ का डेंटल डिपार्टमेंट है जिसमें हम 2 डेंटिस्ट हैं, 3 चेयर्स हैं और डेंटल डिपार्टमेंट यहाँ का बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि आई, मेडिसिन, स्किन, ऑर्थो, अल्ट्रासाउंड, पीडियाट्रिक्स, होम्योपैथिक, सारे कुछ हैं। हमारे यहाँ पर आज मीटिंग हुई है सारी ट्रस्टीज़ के साथ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ है सो दैट आगे वाला साल हमारा बहुत अच्छा जाए। इसके लिए उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ और अपग्रेडेशन होनी है और भी डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ की OPD सिर्फ 50 रुपये की पर्ची कटती है, मेडिसिन 15% डिस्काउंट में मिलते हैं और काफ़ी अच्छा बना हुआ है हमारा हॉस्पिटल। आपसे यही निवेदन है कि आप यहाँ आएँ और अपना इलाज अच्छा करवाएं। जय माता दी, मैं जसवंत संधु, जनरल मैनेजर श्री दुर्गा माता मंदिर हॉस्पिटल जगराओं ब्रिज दे कोल, मैं उत्थे वर्क करती हाँ। और ये हॉस्पिटल जेड़ा हैगा श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट ने 2 जून 2010 नू खोलिया होया है और ये मतलब हरे तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैगियाँ। अखां दे ऑपरेशन होंदे है, ENT दे ऑपरेशन होंदे है, डेंटल वगैरह, होम्योपैथी, सारे तरह दियाँ फैसिलिटीज़ हैगियाँ। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। साढ़े इतने अल्ट्रासाउंड मशीन साड़ी पुरानी सीगी, उन्होंने भी असी हूँ नवी ले आती है जिहड़ी कि बहुत अच्छी मतलब साढ़े लिए पेशेंट्स नूं बहुत अच्छा वो फायदा होएगा।
ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ। ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਸਥਿਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਮੇਂ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਵਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਦਾਈ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਬੱਧ ਮਾਸਿਕ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਮਾਂ ਭਗਤੋਂ ਸੇ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੰਚੋਪਚਾਰ ਸ਼ੋਡਸ਼ੋਪਚਾਰ ਗੌਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੁੰਭ ਪੂਜਨ ਮਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਕਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਲਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸੱਤਿਅਤਾ ਸੇ ਧਰਮ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਮਾਤਰ ਸੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਕੰਠ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸੰਜੀਵ ਸੌਂਧੀ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਕਿੰਗ ਵਿਵੇਕ ਸਹਿਗਲ ਬਾਬਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗੋਪਾਲ ਮਾਲਪਾਨੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਯੱਗੇਦਤ ਜੋਤੀ ਚੱਡਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਚੁਗ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਰੋਹਿਤ ਬਹਿਲ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਆਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੈ ਸਵਯੰ ਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਲੀ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਚਰਮ ਚੱਕਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਛੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੰਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਝੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਿਫੋਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਦਾਈ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗੇ 'ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਲਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਸਰ ਹੈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਮਾਂ ਪਿਤਾਂਬਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਗਾਰਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਏ ਗਏ ਥੇ ਜਿਨਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੋਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਿਹਾਲ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸੋਢੀ ਜਗਦੀਪ ਨਕਈ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਕਾਰਿਕਰਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੋ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਕਭੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਯਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਔਰ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਜ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਵਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ एक न्यूर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की याद में गरम दूध का लंगर वार्ड नंबर 73 में लगाया गया जिसका शुभारंभ सोसाइटी के प्रधान प्रदीप खुल्लर और जनरल सचिव सुरजीत सिंह भुल्लर ने किया इस मौके पर विंकल बिल्ला विक्की उप्पल साहिल भगत राजीव भगत नवीन भोला पप्पू पंडित बिट्टू थापा कमलजीत कुमार दविंदर भारद्वाज गौरव जोनी सतीश कुमार दीपक दत्ता सहजप्रीत सिंह भुल्लर आदि खुल्लर दीपक राठौर विक्रम कुमार भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट जिमें कि सबनू पता है कि शहीदी हफ्तावार चल रहा है वैसे तो महीना ही शहीदियों का क्योंकि शुरू हो जाता है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी तो और इस महीने असी सफरे शहादत के तौर पर मना रहे हैं पिछले 10 साल तो जरा लगातार एक नूर वेलफेयर सोसाइटी ने एक उपराला किया 2 साल पहला तो साहबजादियों की याद के उन्होंने शहादत को मुख रखद दुध का लंगर लगाया जाएगा और वह लगातार चल रहा है दुध का लंगर शॉर्ट थोड़ा जहा दसद मोती लाल मेहरा जी को श्रद्धांजलि भेंट करके लगाया जाता है क्योंकि मोती लाल मेहरा जी ने जो साहबजादियों गर्म दुध भेजा तो उन्होंने भी बहुत तसीहे दे के शहीद कर दिता गया ये दुध का लंगर त लगता है हाँ जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਏਕ ਨੂਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਏਕ ਨੂਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮੱਠੀ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 2 ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਜਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਐਵਮ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਕੋ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਪੈਲਸ ਕੇ ਪੀਛੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਸਨੀ ਉੱਤਮ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਂਗੇ
इसी संबंध में एसोसिएशन के सदस्य दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। इस मौके पर आईएएस नीचर चेयरमैन जीएस संधु, जनरल सेक्रेटरी के सिक्का, डिप्टी चेयरमैन एसके जुनेजा, कोषाध्यक्ष रमन अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरीश चड्डा, सरपरस्त तारण सिंह, उपाध्यक्ष जगनदीप सिंह, एनके गांधी, संदीप शर्मा, संदीप अग्रवाल, प्रदीप कुमार सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन जालंधर की ओर से एक शाम माँ के नाम का आयोजन 7 जनवरी 2023 को शहनाई पैलेस की बैक पे किया जा रहा है। इस आयोजन में सभी नगरवासी परिवार समेत आमंत्रण किए गए हैं। आप सबनों जय माता दी। अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन वालों अशोक नगर बैकसाइड शहनाई पैलेस दे विखे 7 जनवरी 2023 नू माता दी चौंकी का आयोजन किया गया। आप सारे शहर वासियों नू सारी एसोसिएशन दे वालों वेलकम करते हैं ते तुसी उत्थे पहुंचण दी अपील करते हैं। अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक शाम माँ के नाम का आयोजन किया गया है। शहनाई पैलेस की बैक साइड पे परिवार समेत अशोक नगर वासियों को पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करना है और चौंकी का आनंद लेना है। अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन वालों अशोक नगर शहनाई पैलेस की बैक साइड पे माता दी चौंकी करवाई जा रही है 7 जनवरी 2023 नू। इस संबंध में असी श्री शीतल विज जी नू उत्थे आमंत्रण पत्र देन आए हैं ते सारे उत्थे पहुंच के मां दा आशीर्वाद प्राप्त करो। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क को तोड़ते हुए उत्तराखंड से एक व्यक्ति को किया काबू। 4,05,000 नशीली गोलियां व कैप्सूल किए बरामद। जालंधर के शेखा बाजार में 4 लुटेरों ने दातर के बल पर नौजवान से लूट की वारदात को दिया अंजाम। 3 गिरफ्तार, 1 फरार। 147वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का संगीतकार महेश काले के राग बहार से हुआ समापन, श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।